नमस्कार, स्टार स्टेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, बात करने वाले हैं आने वाले सप्ताह के बारे में कि कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह स्थायी संपत्ति से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और कामकाज की स्थिति आपकी अनुकूल दिख रही है। आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति आपको असीम साहस प्रदान करती हुई दिख रही है। आप अपने विरोधियों को सफलतापूर्वक पीछे छोड़ने में समर्थ दिख रहे हो, या फिर ऐसा भी कह सकता हूँ कि स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी और कहीं से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो इस पूरे सप्ताह आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करते हैं वृष राशि के बारे में। इस सप्ताह ग्रह आपके आसपास का माहौल अनुकूल बनाते हुए दिख रहे हैं। इससे सफलता की ओर आपके रास्ते की बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। आप खुले दिमाग से काम करना जारी रख सकते हैं क्योंकि आपकी सारी मेहनत आपको मनचाहा रिटर्न दिलाने में मदद करेगी। सफलता मिलने से आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। आप अपने परिवार के लोगों से पूर्ण समर्थन और गर्मजोशी का आनंद लेने की उम्मीद भी कर सकते हैं। पर्याप्त धन का आगमन निश्चित रूप से आपके दिमाग को शांत रखेगा। आपकी प्रसन्नता के लिए स्वास्थ्य की स्थिति पूरी तरह से ठीक दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। समय और परिस्थितियां आपके मूड पर खास प्रभाव डाल सकती हैं और आपका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ी देर के लिए ऊंचा हो सकता है, लेकिन आपके सभी लंबित कार्य गति पकड़ेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में दृढ़ रहें। कोई जरूरतमंद आपकी देखभाल की जरूरत महसूस कर सकता है, ध्यान दें और उनकी मदद करें। प्रियजन से उपहार की प्राप्ति हो सकती है और बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके आसपास इस सप्ताह बेहतर माहौल बना रहेगा और काम को लेकर नए अवसर भी प्राप्त होंगे। आपकी वर्तमान स्थिति में वृद्धि के साथ साथ वित्तीय लाभ मिलने का भी योग बनता दिख रहा है। आपको कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने का मौका मिलने वाला है और काम से जुड़ी योजनाएं और रणनीतियां अब आपके दिमाग में आकार ले सकती हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और समय आपको वाहन चलाते समय या फिर अकेले यात्रा करते समय अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। ग्रह इशारा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में अवांछित परेशानी से सुरक्षित रहने के लिए आपको अपने व्यसनों को छोड़ने और अपनी इंद्रियों पर दृढ़ नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप निरंतर कार्य करते रहें और समय आपको आवश्यक अनुभव प्रदान करेगा, जिससे आप अपने सभी निर्णय को अपने जीवन के सभी मोर्चों पर फलदायी होते हुए देख करके बड़ी प्रसन्नता महसूस करेंगे। कार्यालय में आपके सुखद व्यवहार से और कुशल कौशल से सराहना आपके वरिष्ठ लोग आपकी कर सकते हैं और इससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। विरोधियों पर नजर रखें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। फिट रहने के लिए अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। आपके घरेलू मोर्चे पर स्थितियां इस सप्ताह थोड़ी सी प्रतिकूल रह सकती है, अतः स्थितियों को आपको खुद ही संभालना होगा। आपको अपने आसपास की परिस्थितियों की मांगों के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आप अपनी गरिमा की सीमा को पार नहीं करेंगे और अपनी क्षमता के भीतर रहेंगे। आपके काम करने के तरीके के बारे में अवांछित आलोचना हो सकती है, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करने, केंद्रित रहने और हर उस चीज को नजरअंदाज करने की जरूरत है जो आपको विचलित कर सकते हैं। अपने जीवन साथी की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। चीज़ों को बेहतर तरीके से संभालने की आपकी जो क्षमता है उसका विकास करें। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। ग्रहों की अनुकूल स्थिति अब आपके आराम और आनंद को बढ़ा सकती है। हालांकि समय आपको अपने जीवन के सभी मोर्चों पर सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। अपने प्रयासों में जल्दबाजी करने से बचें और जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल भी ना लें। आपके जीवन साथी की सफलता आपके आनंद और प्रसन्नता को बढ़ाएगी और अपने साथ काम करने वालों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने से आपको काम का एक सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। निवेश करने के लिए सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा दिख रहा है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। जीवन में किसी भी चीज़ का लालच आपकी प्रगति को एक हद तक बाधित कर सकता है। समय आपके लिए जो कुछ भी लाता है उसका आनंद लें और संतुष्ट रहें। आपके काम के लोग और वातावरण आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल और सहायक रहेंगे तथा आप भी अपने प्रियजनों के साथ अपनी गर्मजोशी और करुणा साझा कर सकते हैं। आपके जीवन साथी को आपके सहयोग आपकी जो है आवश्यकता पड़ सकती है। भावनात्मक बंधन आपका मजबूत होता हुआ दिख रहा है। बच्चों की जरूरतों पर ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसे किसी भी तरह से आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में।
ग्रह दर्शा रहे हैं कि इस सप्ताह आपकी सभी वित्तीय चिंताएं हल होने की संभावना है। असंभव से लगने वाले कार्यों को भी आप आसानी से कर लेंगे। आपको अपनी खुशी के लिए कुछ समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़ने का मौका भी मिल सकता है। हालांकि समय आपको किसी भी प्रकार के टकराव से दूर रहने की सलाह दे रहा है। अपने परिवार के सदस्यों की देखभाल करना अब आपके लिए एक जरूरी प्राथमिकता होगी। साथ ही घर पर मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति आपको पूरे सप्ताह सुखद अनुभूति देगी। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। इस सप्ताह आपके सामने नए रास्ते खुलने की उम्मीद है। ग्रहों की स्थिति आपको समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आपके पेशेवर मोर्चे पर आकर्षक अवसर ला सकती है। निवेश अप्रत्याशित लाभ के साथ सामने आ सकता है, जो निश्चित रूप से आपके मूड को खुश कर देगा। अपनों की उपलब्धि और प्रगति आपके दिल में एक नई खुशी लाएगी और भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि देखी जा रही है। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य संबंधी मामलों की बात है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग पूर्व से अस्वस्थ चल रहे हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। किसी अनुभवी व्यक्ति से काम को लेकर सलाह लेने से आगे बढ़ेंगे तो बिगड़ी हुई स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और पूरी तरह से विचार करने के बाद ही निर्णय लें। अपने करीबी लोगों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए आपके घर पर कोई शुभ कार्यक्रम मनाने की योजना बन सकती है। जहाँ तक संभव हो पैसे उधार देने या किसी से कर्ज लेने से बचना चाहिए। आपकी प्रसन्नता के लिए स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य आपका इस पूरे सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। इस सप्ताह शांत और विनम्र रहने से आपको अपने चारों ओर शांति और सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी। सभी अवांछित परिस्थितियों से सुरक्षित रहने के लिए अपने आवेगी रवैये पर नियंत्रण रखें। अपने वरिष्ठों की सलाह का पालन करना आपके लिए सही और फायदेमंद साबित होगा। बच्चों की गतिविधियों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की जो समस्या उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, और अगर आप अकेले यात्रा करने वाले हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो किसी भी समय हमें कॉल करें। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starstel.com। नमस्कार।